दुर्योधने सौ बले च कर्णो दुशासने तथा एतेष् वैश्रव्यर्माधाय कथम त्वं भूमि मिच्छसि। अर्थात क्या किसी अयोग्य व्यक्ति को अपने राज्य का भार सौंपकर आप अपने राज्य में सुख समृद्धि और उन्नति की कामना कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि किसी भी राज्य की उन्नति उसे चलाने वाले की योग्यता पर निर्भर करती है। नमस्कार, मैं हूँ प्रतीति पटेल रायगढ़ से। आज इस बात को कोई नहीं झुठला सकता कि हमारा देश उन्नति की ओर आगे बढ़ रहा है, पर इतने धन धान्य और संपदा होते हुए भी हमारा छत्तीसगढ़ और हमारा शहर क्यों आगे नहीं बढ़ रहा? विकास के नाम पर हमारे शहर के पहियों पर जंग लग चुका है। क्या आपको नहीं लगता कि ये वक्त है बदलने का? और अगर ऐसे वक्त में आज हमारे बीच जब कोई भारत का सबसे टफ एग्जाम क्रैक करके एक IAS बनता है, उसे बखूबी निभाता है, खुद को साबित करता है और उसके बाद यदि राजनीति में आ रहा है, तो ये तो हमारी अच्छी किस्मत है कि हमें अपने शहर के लिए एक ऐसे पढ़े लिखे और क्वालिफाइड नेता को चुनने का मौका मिल रहा है। तो क्या ये हमारा फर्ज नहीं बनता? तो क्या आप उसे वोट नहीं देना चाहेंगे? जरूरत है सही नेता चुनने की। याद रखें, आपका एक वोट आपके राज्य, आपके शहर, आपके प्रदेश और पूरे देश का भविष्य बदलने के लिए काफी है। फैसला आपके हाथ में। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।